समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी ने सभी देशवासियों और खास तौर से सभी महानगर वासियों को कांवड़ पर्व, ईद उल अजहा, यौम आजादी और रक्षाबंधन सहित आगामी सभी पर्वों और त्योहारों की मुबारकबाद पेश करते हुए यह अपील की है कि सभी देशवासी सभी त्योहार आपसी मेल मिलाप, भाईचारे, धार्मिक सद्भाव, गंगा जमनी तहजीब और प्यार मोहब्बत व हर्षोल्लास के साथ मनाए, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का आदर करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस व सिविल प्रशासन के साथ सहयोग करें। हाजी नासिर कुरैशी 24 जुलाई की रात को मोहल्ला असालतपुरा मुरादाबाद में वाकई अपने दफ्तर में सिटी चैनल 24 के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने हज के मुबारक सफर पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा पहुंचे खुश नसीबों की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश की और ये गुजारिश की कि वे उस दियारे मुकद्दस में अपने साथ साथ अपने वतन हिंदुस्तान की तरक्की, खुशहाली व अमन अमान के लिए भी खुसूसी दुआएं करें। एक सवाल के जवाब में हाजी नासिर कुरैशी ने बताया कि वे इस साल 2 या 3 अगस्त को हज बैतुल्ला व ज्यारत रोजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रवाना होंगे। ये उनका 18वां हज होगा इंशाल्लाह। हाजी नासिर कुरैशी ने कहा, देशवासियों को, प्रदेश वासियों को, खास तौर से महानगर वासियों को अपनी ओर से और समाजवादी पार्टी के सभी यूनिट की तरफ से, मैं इस वक्त जो त्योहारों का सीजन चल रहा है, इस वक्त वर्तमान में मौजूदा हालात में जो सावन का महीना चल रहा है, मैं हिंदू भाइयों को जो कि कांवड़ ले जाने वाले हैं और जिनका उनका अपना खुद का एक अकीदा है, एक आस्था है और वो तमाम ही एक इबादत के इरादे से कांवड़ लेकर के मंजिलें काटते हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही हम लोगों का ये बड़ा मुबारक महीना चल रहा है, हज का महीना चल रहा है, तमाम ही कई फ्लाइटें उड़ चुकी हैं हज के लिए, हज बैतुल्ला के लिए, और अभी काफ़ी फ्लाइटें वहाँ रह गई हैं और हाजी लोग जाने से अभी उनकी डेट रह गई है कि वो जाएंगे और इंशाअल्लाह हज बैतुल्ला पर जा कर के वो अल्लाह के नबी के रोज़े के दीदार करेंगे और हज बैतुल्ला पर हाजिरी लगाएंगे। मैं सभी अपने मुसलमान भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और जो जा चुके हैं और जो जाने वाले हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वहां जा कर के वो अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए और ख़ास तौर से महानगर मुरादाबाद के लिए, मुरादाबाद की आवाम के लिए जाकर वहाँ पर दुआएँ करें कि जिस तरह से आज ये त्योहारों का महीना और मौसम चल रहा है कि हिंदू भाइयों के भी त्यौहार हैं, मुस्लिम भाइयों के भी त्यौहार हैं, अल्लाह ताला हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों में आपस में इत्तेहाद और एक दिली इत्तफाक पैदा करें और भाईचारा कायम रहे हमारे इस मुरादाबाद के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर। मैं ऐसी अपने आप भी दुआ करता हूं और अपने भाइयों से जो हज बैतुल्ला गए हैं उनसे भी मैं दुआओं की दरख्वास्त करता हूं कि हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है इसका हमेशा परचम लहराने का काम होता रहे और एक दूसरे में एक दिली इत्तेफाक और एक दूसरे के त्योहारों को एहतराम करने का हमारे अंदर जज्बा पैदा होता चला जाए। मैं ऐसी दुआ करता हूँ। हाजी जी, आप हर साल हज पर तशरीफ ले जाते हैं, इस साल आपका कब तक जाने का इरादा है? मैं इंशाल्लाह, मेरी हज की वीज़ा तो आ चुकी है लेकिन इंशाल्लाह मैं 2 या 3 तारीख में इंशाल्लाह टिकट निकालूंगा और मैं हज पर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा जीता बंदा रहा तो ज़रूर इंशाल्लाह जाऊंगा, हज बैतुल्ला को जा कर के हाजिरी लगाने का काम करूंगा और मैं भी वहां पर जा कर के अपने देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए और आपस में एक दिली इत्तफाक के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों में एक दूसरे के त्योहारों को, एक दूसरे के जज्बातों को, एक दूसरे के मोहब्बत को समझने का काम करें। मैं अल्लाह ताला से ऐसी गिड़गिड़ा करके जा करके अपने देश और प्रदेश और अपने महानगर के लिए मैं दुआ करने का काम करूँगा इंशाल्लाह। ये कौन सा आपका हज होगा? मैं अब तक अल्लाह ताला ने मुझे नाचीज को 17 हज करा चुका है अल्लाह ताला और मैं नाचीज इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हाजिरी मेरी कबूल की और अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह ये 18वां हज मेरा इंशाल्लाह होगा।
इस अवसर पर सपा नेता हाजी असलम अंसारी, पूर्व मेयर प्रत्याशी जावेद अंसारी, समाजवादी पार्टी के महानगर सचिव अमीर हुसैन अंसारी, हाजी नवाब अली, राहत अली, मिराज अंसारी, मोहम्मद शादाब और सरताज सैफी आदि भी मौजूद रहे।